उत्तरकाशी में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल आज 16वें दिन भी जारी रही। आशाओं ने आज सीएमओ ऑफिस के सामने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया। आशाओं का कहना है कि उन्हें पिछले 3 सालों से मानदेय नहीं दिया गया है। उनको केवल मातृत्व रक्षा एवं शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए रखा गया था, पर सरकार उनसे इसके अलावा अन्य काम भी करवा रही है। साथ ही आशाओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगी। साथ ही उनका कहना है कि अभी तो यहाँ आंदोलन शांति पूर्वक चल रहा है, पर सरकार अगर यही अड़ियल रुख अपनाए रखती है तो यह आंदोलन और भी उग्र होगा। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। करना चाहती हूँ और निवेदन है सरकार से कि 2 तारीख से हम हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन हमें बड़ा दुख हो रहा है कि सरकार ने आज तक हमारी मांगे न पूरी की है और न हमारी सुन रहे हैं। 2 तारीख से हम हड़ताल पे बैठने के बावजूद उन्होंने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा है, और हमारा यही उनसे हुआ है कि निवेदन है कि हमारे 21,000 वेतन किया जाए और हमें राज्य सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, वरना हम अपनी हड़ताल ऐसी निश्चित तौर पर बैठे रहेंगे हड़ताल पर जब तक हमारी मांगे पूरी होती है, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। धन्यवाद। क्या नाम है? अनीता परमार। आशा वर्कर।